छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी शहर में जहां 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के लिए सैकड़ों मंदिरों से देवी देवताओं की लगभग 200 से ज्यादा मूर्तियां लाई जाती हैं। ये उत्सव 1526 में अजबर सैन के शासनकाल सन 1499 से 1534 में मंडी की स्थापना के समय शुरू हुआ था। उन्होंने नए नगर की स्थापना के लिए स्थानीय देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। उत्सव में भाग लेने के लिए विभिन्न गांवों से अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों को आमंत्रित किया जाता है। जलेब की अगुवाही या कहें कि आमंत्रित अनेक देवी देवताओं की टोली भगवान विष्णु अवतार माने गए भगवान माधो राय और मुख्य देवता की अगुवाही में होता है। इनके पीछे से अन्य देवी देवता रिवाजों के अनुसार सुसज्जित पालकियों में आते हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित मंडी शहर दुर्गम पहाड़ी संरचना में बने 80 प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें भूतनाथ, त्रिलोकीनाथ, जगन्नाथ, तारना देवी और जालपा देवी के आदि प्रमुख मंदिर हैं। मंडी के महाशिवरात्रि उत्सव में आमंत्रित किए गए सभी देवी देवताओं में से कुछ प्रमुख देवता मंडी के राजमहल में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। मुख्य अतिथि देवता कमरूनाथ ढोल नगाड़ों के बीच रंगारंग झांकी में सैकड़ों श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। मंडी के महाशिवरात्रि उत्सव में आमंत्रित सभी देवी देवता दूर दूर तक अपना स्थान ग्रहण के लिए दिखाई पड़ते हैं और अनेक श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर एक देवी देवताओं के साथ उनके भजंत्री अपने ढोल नगाड़ा शहनाई नरसिंह शंख आदि बजाते हुए उनकी धुनों को गुंजा रहे हैं। लोग इन धुनों के लय में झूमते और नाचते दिखाई पड़ते हैं। श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से इन सभी देवी देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं और उत्सव का भरपूर आनंद उठाते हैं। मंडी के महाशिवरात्रि के मेले का आयोजन में अनेक प्रकार की दुकानें यहाँ मैदान में लगती हैं। मंडी महाशिवरात्रि के उत्सव में लोग इस मेले का पूरा आनंद उठाते हैं। खाने पीने व अनेक प्रकार के साजो सामान से दुकानों का बाजार सजा होता है। मंडी शिवरात्रि के उत्सव में देवता कमरूनाग जी प्रधान देवता माने जाते हैं। देवता कमरूनाग मेले के दौरान अपना स्थान ऊपरी पहाड़ी चोटी में स्थित माता तारना देवी के मंदिर में अपना स्थान ग्रहण करते हैं।
देवी तारना, जिन्हें मां श्यामा काली के रूप में भी जाना जाता है। शिवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन आमंत्रित किए गए सभी देवी देवता पौराणिक परंपरा के अनुसार चौहटा के जातर नामक स्थान में एकत्रित होते हैं। उत्सव के आखिरी दिन यहां सभी देवी देवता सैकड़ों उपस्थित श्रद्धालुओं को दर्शन और अपना आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात आए हुए सारी देवी देवता अपने अपने मूल स्थान की ओर प्रस्थान कर लेते हैं।